हेलो फ्रेंड्स, आज हम मीठे नमकीन मखाना स्नैक्स बनाने जा रहे हैं। यह कुरकुरे होते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं, तो आप इसे स्नैक्स के रूप में खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमने 250 ml कैपेसिटी वाले एक कप से एक कप मखाना भरकर लिया है और हमने यहाँ एक बाउल लिया है। इसमें हम मसालों का मिश्रण तैयार करेंगे। इसके लिए यहाँ हमने थोड़ा सा नमक लिया है, नमक टेस्ट अकॉर्डिंग ले सकते हैं, और थोड़ा सा काला नमक ले लिया है और लाल मिर्च पाउडर लिया है, इसे भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले, और थोड़ी सी गोल मिर्च पाउडर है, और यहाँ हमने लिया है एक चुटकी जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर है, और यहाँ हमने 1/4 टीस्पून के करीब जलजीरा लिया है। आप चाहे तो यहाँ चाट मसाला या फिर आमचूर पाउडर ले सकते हैं। जलजीरा में नमक होता है, इसलिए हमने शुरू में नमक थोड़ा कम ही लिया है। अब हम इन मसालों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हमने साथ में थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा लिया है, यह करीब 15 ग्राम है। इन्हें हम चाकू से क्रश कर लेंगे। इसके छोटे छोटे टुकड़े हमने कर लिए हैं। अब हम चलते हैं मखाना रोस्ट करने के लिए। इसके लिए हमने गैस पर कढ़ाई चढ़ाया है। कढ़ाई जब हमारा मीडियम गर्म हो गया तो इसमें हमने मखाना डाल दिया है। अब हम इसे लगातार चलाते हुए भुनेंगे। मखाना डालने के करीब 10 सेकेंड बाद फ्लेम को हम लो कर लेंगे और लो फ्लेम पे ही लगातार मखाना भूनते रहेंगे। यहाँ हमने करीब 10 मिनट मखाना भुना है। इसके बाद मखाने रोस्ट हो गए, कुरकुरे हो गए। चेक करने के लिए आप एक मखाना लेकर तोड़कर देख सकते हैं। जब वह आसानी से कुरकुरा जैसा टूट जाए तो समझिए मखाना रोस्ट हो चुका है। इसे एक बर्तन में हमने निकाल लिया है। अब सेम कढ़ाई में हमने एक चम्मच घी डाला है। तो जैसे ही घी पिघल जाएगा इसमें हम डाल देंगे क्रश किए हुए गुड़ और इसे लगातार चलाएंगे। फ्लेम मीडियम ही रखेंगे तो गुड़ पिघलने तक हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। तो जैसे ही गुड़ पिघलने लगेगा, करीब करीब पिघल ही चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे मिश्रण मसालों का। तो यहाँ हमने मसालों का मिश्रण डाल दिया है। इसे हम 4-5 सेकेंड तक भुनेंगे और तुरंत ही अब हम इसमें डाल देंगे मखाना। तो मिश्रण भी थोड़ा सा भून चुका है गुड़ में, इसमें हमने डाल दिया मखाना और लगातार चलाएंगे। जल्दी जल्दी चला के गुड़ की कोटिंग कर लेंगे। सभी मखानों पे जब गुड़ की कोटिंग हो जाए तो हम गैस ऑफ कर देंगे। तो कुछ ही सेकेंड में देखते देखते गुड़ की कोटिंग हो जाएगी, गैस को बंद कर देंगे। तो इस तरह से हमारा स्नैक्स तैयार हो गया है। यह बहुत ही मज़ेदार होते हैं। ठंडा होने के बाद यह और भी कुरकुरा हो जाता है। इसे आप एयरटाइट डब्बा में बंद करके 1 महीने तक रख सकते हैं। तो जब कभी आपका शाम में कुछ स्नैक्स खाने का मन हो, इसे बना ले, आप खुद खाएं औरों को खिलाएं। दोस्तों, यह जो स्नैक्स है, जब आप इसे खाएंगे तो ऐसा लगेगा आप किसी मार्केट का, किसी ब्रांड का स्नैक्स खा रहे हैं। बहुत ही टेस्टी होती है। तो अब हम चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। आटे में थोड़ा सा नमक, काली मिर्च, मलाई मिलाएं और दूध से गूंधे। बड़े बॉल में प्याज, पनीर और सूखे मेवे, हल्का सा नमक और काली मिर्च का पाउडर मिलाएं। आटे की छोटी लोई बनाएं और थोड़ा सा बेलें। उसमें थोड़ा सा घी लगाएं, फिर सूखा आटा बुड़के 1 से 1.5 चम्मच सूखे मेवे रखें। पराठे का एक हिस्सा ऊपर की तरफ उठाते हुए सूखे मेवे पर रखें और दूसरे छोर पर रखकर चारों तरफ पानी लगाकर चिपकाएं। ऐसे ही सारे पराठे तैयार करें। अब गर्म तवे पर हल्का सा घी लगाएं। पराठों को दोनों तरफ से सेक लें। पराठों को बीच से काटकर चटनी के साथ परोसें और इस तरह राशि पराठा बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों, आज विश्व योगा दिवस है। इस योगा उत्सव पे क्या आपने योगा किया? मुझसे पूछोगे तो मैं कहूँगी कि हाँ, मैंने किया। मैं कुछ दिनों से योगा कर रही हूँ। सुबह 8 बजे से 8:45 तक इंडिया टीवी पे स्वामी बाबा रामदेव जी का योगा का प्रोग्राम आता है, तो मैं देखते देखते योगा प्राणायाम करती हूँ। आप लोगों को भी करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। सुबह में जरूर काम की व्यस्तता होती है, लेकिन हमारे पास इच्छा शक्ति और संकल्प हो तो हम समय निकाल के योगा कर सकते हैं। मेरा मानना है कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो घर के सभी सदस्य अपने आप स्वस्थ रहेंगे। तो हमें योगा करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। और कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है। इस बार महिलाएं और बच्चे टारगेट हैं, तो इसके लिए हमें अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। हमें अपने फेफड़ों को मजबूत रखना है, तो इसके लिए हमें प्राणायाम करना होगा और उसके साथ साथ हम कई आसन भी कर सकते हैं। अगर हम योगा प्राणायाम करते रहेंगे तो हमारी कोई भी बीमारी हो, चाहे अभी हम
हम चाहे किसी को डायबिटीज़ हो, अर्थराइटिस हो, ब्लड प्रेशर हो, कोई भी बीमारी हो, फिर भी वो बच जाएंगे कोरोना के प्रकोप से। तो हमें कोरोना से बचने के लिए भी प्राणायाम योग करते रहना चाहिए। कई तरह के प्राणायाम होते हैं, उज्जयी प्राणायाम, भ्रामरी, उद्गिद, अनुलोम विलोम और भस्त्रिका, कपालभाती। तो हम जितना कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए। योग का मतलब होता है जोड़, जो हमारे तन को मन से जोड़ता है। तो हम फिजिकली तो हेल्दी रहेंगे ही और मानसिक रूप से भी हम हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो यदि अब तक आपने योगा शुरू नहीं किया है तो शुरू कर दें। और अब चलते चलते एक सुविचार। दुनिया में महत्वपूर्ण चीज़ उन्हें मिली जिन्होंने नाउम्मीदी को छोड़कर प्रयास जारी रखा। तो इसके साथ अब हम चलते हैं, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय।